तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास एट का एन हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ईदगाह और इसका प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम जानने वाले ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आप लास्ट तक बने रहिए ठीक है चैप्टर का नाम है ईदगाह और फर्स्ट प्रश्न है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी तो ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी तो ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था फिर हामिद अकेले कैसे तीन कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा इसी बात को सोचकर अमीना ईद के दिन भी उदास थी दूसरा प्रश्न है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों आप कहानी आपको पढ़ाए हैं कहानी पढ़े हुई तो आपको पता होगा देखिए बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो मतलब कोई चीज़ की उसको कमी हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है मतलब बड़े की तरह सोचने लगता है ठीक है हामिद ने सोचा कि मिठाइयाँ से केवल जीवा में स्वाद आता है हामिद क्या सोचा कि मिठाई से केवल स्वाद आता है जीव में जो क्षण भर के लिए होता है जो तुरंत स्वाद आया मीठा लगा बात खत्म खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे और खिलौने मिट्टी के थे उस पर पानी पड़ेगा उसका रंग उड़ जाएगा ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा हामिद सोच रहा है कि चिमटा टूटेगा फूटेगा नहीं या दादी को काम आएगा दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी यह बहुत उपयोगी है यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है आप स्क्रीन शॉट इसका कर लीजिए यह दो प्रश्न का हमने उत्तर आपको बताया चलिए तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न हम देखते हैं तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न हमारा है आ, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है मेला जाने से पहले हामिद अपने दादी से क्या कहता है तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा बिल्कुल ना डरना हामिद अपने दादी से क्या कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा बिल्कुल ना डरना यही बात कहता है है मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए वर्णन कीजिए तो चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए देखिए मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक व्यस्क की तरह विचार आने लगा व्यस्क मतलब बड़े लोग की तरह खिलौने सभी अच्छे हैं किसे ले हर एक का दाम दो पैसे है हम ये सोच रहे हैं सभी खिलौने भी नहीं होंगे फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे पानी परा तो सारा रंग धुल जाएगा ये सोच रहा है दूसरा ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है कौन हामिद दादी के पास चिमटे नहीं हैं तब ऐसे रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है वैस दादी की अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी उनकी उंगलियाँ अब कभी नहीं जलेगी खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे ख़राब हो जाएंगे तो ये बात हामिद अलग अलग तरीक़ा से सोचता है व्यस्क की तरह ठीक है चलिए आप इसका भी स्क्रीन कर लीजिए आपका चार प्रश्न हुआ आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए पांचवा प्रश्न हमारा है पांचवा प्रश्न है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग की बात कही है हामिद चिमटा को किस रूप में उपयोग करने की बात कही देखिए हामिद चिमटे को बंदूक फकीरों के चिमटे मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप कीजिए आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न छठा प्रश्न है ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है इसकी मुख्य विशेषता बताइए देखिए ईदगाह कहानी हमें अत्यंत तो रोचक लगी इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है लिखी रोचक मतलब बहुत बढ़िया लगा जैसे कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है बच्चे का मन किस प्रकार से सोचता है उस पर डिपेंड करता आधारित है अभावग्रस्त तो बच्चे वैश्क की तरह सोचते हैं अगर बचपन में उसे कमी हो जाए कोई चीज़ की तो वह बड़ों की तरह सोचने लगता है चुनौतियाँ बच्चों को परिपक्व बनाती हैं और कठिनाइयाँ जो होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है और रोचे मतलब अच्छा लगने लगा कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है कहानी सुखांत है इत्यादि मतलब सुख में अच्छा कहा है स्क्रीन शॉट आप इसका कर लीजिए छठवा प्रश्न था चलिए सात नंबर का प्रश्न है लास्ट प्रश्न है इसके बाद है थोड़ा सा गद्यांश देखिए चिमटा देख कर अमीना के मन में कैसा भाव जगा इसका उत्तर हुआ चिमटा देख कर अमीना के मन में दो प्रकार के भाव भावे पहला लड़का कितना बेसमझ है ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खेलना क्या का खेलने का खिलौना लाया दादी सोच रही है यह चिमटा क्यों ले आया लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया तो दादी के भाव बदले गए मतलब पहले दादी सोच रहा था लड़का कितना नासमझ है कुछ खाया पिया नहीं खिलौना ले आया वो भी चिमटा क्यों ले आया खिलौना भी नहीं लिया जब हामिद कहता है कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसीलिए मैंने चिमटा लिया तब दादी का भाव बदलता है और दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग सद्भाव और विवेक मतलब बुद्धि है बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा तो ये चीजें भाव बदल गई थी उनके मन से एक्सकर शॉर्ट कर लीजिए इनका भी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा आठ नंबर में गद्यांश है आपको बताए थे और गद्यांश को देख आंसर देना है लेकिन हमने आंसर दे दिया है आपको जरूरी नहीं है गद्यांश को देखना ठीक है देखिए क्वेश्चन है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे नमाज खत्म होने के बाद परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे लोग क्या कर रहे थे एक दूसरे से गले मिल रहे थे ठीक है चलिए आगे दूसरा खवा नंबर का प्रश्न है छ नंबर का दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे उत्तरों का दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए गुजरिया राजा वकील काला चौंगा और सफ़ेद अंकन पहने एक हाथ में कण की किताब रखे हुए हैं, धोबिन साधु कमर में मशक लटकाए हुए भिश्ते इत्यादि अनेक रंग बिरंग के खिलौने थे अगला है वे खिलौने किस चीज़ के बने थे तो वे खिलौने मिट्टी के बने हुए थे चलिए महमूद मोहसिन और नूर को कौन कौन से खिलौने खरीदे नूर आ, कौन कौन से खर, खिलौने खरीदे तो महमूद ने सिपाही खरीदा मोहसिन ने भिस्ती खरीदा नूर ने वकील खरीदा ठीक है आप इसका स्क्रीन कीजिए आगे बढ़ते हैं ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो चलिए आगे है आपका प्रश्न परिच्छेद में सिपाही भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए राजा और साधु किस वे में हो तो राजा अनेक रंग के पोशाक पहने सिर पर मुकुट धारण किए हुए कमर में तलवार युक्त मियान लटकाए हुए साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मुछे जनेऊ पहने हाथ में कमांडर और ललाट पर चंदन की रेखाएं साधु की हुई ये हो गया दूसरा अनुच्छेद में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए तो पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं जैसे कि ज्यादा अनगिनत गरीब दुबला पतला गत बूढ़ी अभागिन पक्का ललचाई नया हजारों परोस अच्छा शाम बहादुर खूबसूरत रुस्तमहिंद अपराधी भूख खूब कितना बुढ़िया बड़ी बड़ी इत्यादि तो ये सारी चीज़ें जो है ये विशेषण था अगला है वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द तो वर्दी के समानार्थी पोशाक और पोथा का समानार्थी किताब ठीक है ये आपका आ, ये आपका इस वीडियो में हमने आ, दूसरा चैप्टर क्लास एट के हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम था ईदगाह क्या नाम था ईदगाह नाम था दूसरा चैप्टर हमने आपको बताया है पूरा प्रश्नोत्तर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे कमलदेव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो में